वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फंक्शन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, इधर टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स है। मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर a की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर आ जाए, जहां पे भी रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाए, पुट x इज टू a tan थीटा पुट करना है आपने। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, और यहां पे आया हुआ 1 प्लस x की स्क्वायर, a हमारा, इट मींस यहां पे 1 हुआ, a हमारा 1 हुआ, तो x को tan थीटा, पुट x इज टू tan थीटा पुट करेंगे। कहने का मतलब है जहां पे भी अंडर द रूट ए 1 प्लस एक्स की स्क्वायर आ जाए, वहां पे x को tan थीटा पुट करना है आपने, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमारा नया वेरिएबल थीटा है, थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। बताइए आपने बेसिक मैंने बता रखा है इसका, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस x कितना, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस 1 बाई एक्स, एक्स क्या tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होता है, अंडर द स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते देखिए, tan इनवर्स sec थीटा को चेंज करें 1 बाई cos थीटा माइनस 1, tan थीटा को लिखे sin थीटा बाई cos थीटा, अगर tan इनवर्स cos थीटा एलसीएम आ गया तो ये क्या, 1 माइनस cos थीटा sin थीटा बाई cos से cos कैंसिल हो गया हमारा भाई, tan इनवर्स देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान दें। अब यहां पे 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का आपने 11th में किया है 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और ये है, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये 2 थीटा में फॉर्म लेंगे, अगर थीटा में करेंगे यानी कि यहां पे जितना भी एंगल होगा उसका हाफ होगा। अब यहां पे 1 माइनस cos थीटा है तो हाफ थीटा हो जाएगा, और यहां पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा का होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स एक sin कट गया, ऊपर आ गया sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, sin बाई cos क्या होता है 10, और tan इनवर्स tan x क्या होता है, x की इक्वल होता है, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल करके दिखाना नहीं है, तो 1 बाई 2 थीटा, और थीटा हमारा कितना है देखो, यहां से निकाला था tan इनवर्स x, ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन tan इनवर्स रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाई x। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको कर दे आप, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए इधर जहां पे भी मैंने बताया है x की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए, पुट x इज इक्वल टू
ए sec थीटा या ए cosec थीटा पुट करना है, आपकी मर्जी, ए sec थीटा या ए cosec थीटा। यहां पे ए हमारा कितना है, वन, तो पुट एक्स इक्वल टू, ये बेटर है, ए हमारा वन है तो पुट एक्स इक्वल टू cosec थीटा पुट कर दिया हमने, तो यहां से हम थीटा निकाला तो ये हो गया हमारा cosec इनवर्स एक्स, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स हमें दिया हुआ था 1 बाई cosec square थीटा माइनस 1 अंडर द स्क्वायर रूट, तो tan इनवर्स cosec square थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos square थीटा, सिंस आपने किया cosec square थीटा इक्वल टू माइनस cos square थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी होती है ना, तो cosec square थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, cos square थीटा, तो स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा, तो टेन इनवर्स वन बाई कोट क्या होता है, टेन, टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स के इक्वल होता है तो थीटा आ गया, और थीटा हमारा क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स, ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए कुछ पूछने हैं, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, आए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान है, tan इनवर्स 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, देखिएगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम फंक्शन लेते हैं, ये हमारे पास दे रखा है अब जैसे कि मैंने बताया 1 माइनस cos थीटा, लर्न कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin square थीटा बाई 2 होता है, और 1 प्लस cos थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं हमारे, माइनस है तो sin square, प्लस है तो cos square, यहां पे एंगल थीटा हमारा कुछ भी हो, व्हाटएवर 4 थीटा 2 थीटा उसका हाफ हो जाना है यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 माइनस cos 4 थीटा होता तो 2 sin square 2 थीटा बन जाता, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 2 sin square 2 cos square थीटा by 2, x है हमारा यहां पे थीटा की जगह, टू से 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट दिया तो क्या बनेगा, sin x by 2, और इसका क्या बन गया, cos साइन बाई cos क्या होता है भाई, tan होता है, और tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, या ये कहीं tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के इक्वल होता है, तो x बाई 2 यहीं पे लिख देता हूं, दिस इज x बाई 2 आ गया हमारा, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, 6 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस देखिए इधर हम फंक्शन लेते हैं, इसको हमने लिखना है इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यहां पे एंगल हमारा एक्स है, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसका एंगल कितना, एक्स cos x माइनस साइन एक्स, यहां पे एक्स बाई टू हो या एंगल 4x हो, चारों की चार जो टर्म है हमारे एंगल सेम मिलेगा, 4x हो या 2x सभी का प्रोसीजर सेम है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos x से डिवाइड कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखें तो cos x माइनस cos
cos x plus sin x डिवाइड बाई cos x। बी स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको डिकम्पोज करेंगे अलग अलग कैसे करेंगे, cos by cos 1, sin by cos 10, cos by cos 1, sin by cos 10। देखो बाहर tan inverse है, अंदर भी हमें जो फॉर्मूला है tan का बनाना है, ठीक है। किसका फॉर्मूला बनाना, tan का। अब 1 माइनस टेन थीटा, 1 सॉरी यहां पे प्लस है, 1 प्लस टेन थीटा, 10 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। या तो आप डायरेक्ट याद रख लें कि ये हमारा 10 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 10 45 माइनस एक्स का हो जाएगा, या हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, देखें tan इनवर्स करके दिखाते हैं। 1 की जगह लिखेंगे हम 10 पाई बाई 4, फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं हम माइनस, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 10 एक्स 1, 1 को एज इट इज रहने दें, इसके साथ 1 समझ सकते हैं, इस 1 को लिखें 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स। ये हमने इस फॉर्म में लेके आए हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ध्यान से देखिए, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला आता है, tan ऑफ एंगल a माइनस b का फॉर्मूला होता है। tan से tan, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के इक्वल होता है।